तो चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमको पता है, यदि हम किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाना होता है तो उसको किसी सेल या बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो बैटरी या सेल से कनेक्ट करने पे क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, दिस सोर्स इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस विद इन द सेल और बैटरी। ठीक है, बैटरी या सेल में केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। कैसे हुआ, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन से उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक टर्मिनल पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी चार्ज फ्लो इन द सर्किट, चार्ज फ्लो इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, चार्ज फ्लो का मतलब करंट फ्लो हो गया। ठीक है, चार्ज फ्लो का मतलब क्या हुआ, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला गया था, करंट बोला गया था। ठीक है, तो करंट फ्लो हो गया अल्टीमेटली हमारा सर्किट में टू मेंटेन द करंट। ठीक है, बैटरी क्या करेगी, उस करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी का डिसिपेट करेगी या अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करेगी। बात समझ आ गई, टू मेंटेन द करंट विद इन द सर्किट सेल और बैटरी एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करेगी। वेयर डज इट्स एनर्जी गो, ठीक है, एनर्जी लगातार दे रही है तो एनर्जी कहाँ जा रही है। बात समझ आ रही है, केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो का मतलब करंट फ्लो हुआ, और लगातार उस करंट को मेंटेन करने के लिए ये बैटरी लगातार एनर्जी को अपने एक्सपेंड करती रहेगी। ठीक है, अब ये एक्सपेंड जो एनर्जी लगातार हो रही है जहां जा रही है, तो कहते हैं सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू डू द यूजफुल वर्क। बात समझ आ गई, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज टू डू सम यूजफुल वर्क। जैसे कि हमको अपना फैन चलाना था, ठीक है, फैन कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, फैन को चलाना था, जैसे हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ द जो एनर्जी थी बैटरी की वो क्या हुआ, फैन के ब्लेड को रोटेट कराने पे खर्च हो गया। तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू रोटेट द ब्लेड ऑफ फैन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी कहाँ गई, इज एक्सपेंडेड टू हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सर्किट और गजेट। ये बात समझ आ गई, ठीक है, तो कुछ पार्ट कहाँ हुआ, यूजफुल वर्क में हो गया, जैसे हमने कहा फाइन को रोटेट कराने में खर्च हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो गई, टू एक्सपेंडिंग हीट। ठीक है, हीट के फॉर्म में एक्सपेंड हो गई, जिसका काम क्या, वो हीट क्या किया, उस डिवाइस का या उस गैजेट का जो उसके क्रॉस कनेक्टेड है उसका टेम्परेचर रेज करने में चला गया, खर्च हो गया, यूटिलाइज हो गया। ये बात समझ में आ गई, चलो आगे समझते हैं। हमने कहा यदि हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव होगा, मतलब कि ये सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, तो ऑल द एनर्जी इज यूटिलाइज टू डिसिपिएट इनटू हीट, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस पे खर्च हो जाएगी, हीट के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगी। ये बात समझ आ गया, तो चलो इसको समझते हैं। तो हमने कहा एक सर्किट बनाते हैं, एक प्योर रजिस्टिव सर्किट बनाते हैं, ये हमारा क्या था, ये सेल था, सोर्स ऑफ एनर्जी था, इससे हमने एक रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। प्योर रजिस्टिव सर्किट का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस होगा। ये बात समझ आ गई, मान लिया कि ये सर्किट का रजिस्टेंस कितना भाई आर है, और ये कितना पोटेंशियल दे रहा है बैटरी वी का, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ आई। ठीक है, तो बताओ क्या इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, तो हमने कहा वो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इसके क्रॉस जो बैटरी का होगा, दैट इज वी इक्वल टू आई इनटू आर। ये बात समझ आ गया, इसी को प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखो लेट हमने क्या माना, लेट आई करंट फ्लो इन द सर्किट अक्रॉस द रजिस्टर आर। ठीक है, हमने क्या माना कि आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में अक्रॉस द रजिस्टेंस आर के। ठीक है, इस सर्किट में जो रजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस कितनी करंट जा रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है,
इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कितना चार्ज फ्लो होता है उसके लिए देखते हैं। लेट क्यू चार्ज फ्लो, लेट क्यू चार्ज फ्लो फॉर अ टाइम, फॉर अ टाइम टी। ठीक है, हमने क्या माना इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कितना चार्ज फ्लो कर गया, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर गया, हमने ये मान लिया। ठीक है बच्चों, क्यू चार्ज फ्लो कर गया टी टाइम में। ठीक है, अच्छा बताओ तो कितना वर्क किया होगा बैटरी ने, कितना वर्क किया होगा इस बैटरी ने चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल की डेफिनेशन V इक्वल टू W अपॉन Q, याद करो पोटेंशियल की डेफिनेशन में ये था, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो हमने कितना वर्क डन किया है, देखो W इक्वल टू क्या वर्क किया है, Q इनटू V, ये देखो दिस वर्क डन। ठीक है, यही वर्क डन क्या, हीट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेगा, यूटिलाइज करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दिस वर्क डन किसी बराबर होगा हीट के फॉर्म में, हीट को एच सिंबल से दिखाया जाता है बच्चों। तो बैटरी कितना हीट प्रोड्यूस कर रही होगी, सॉरी बैटरी रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, हमने कहा वो क्यू इंटू वी के बराबर हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, करंट की डिफिनेशन याद करो बच्चों, करंट की डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये बोल आंसर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट बोला गया था, तो यहां से Q इक्वल टू क्या आया, I इनटू T, देखो ध्यान से ये है, इस वैल्यू यहां पे रखते हैं तो हमारा हीट कितना प्रोड्यूस होने वाला है, देखो Q इक्वल टू I इनटू कैपिटल I ले लेते हैं, I इनटू T इनटू V, ये देखो ध्यान से। ठीक है, अच्छा बताओ अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इनटू R हो रहा है, इसको V को भी रिप्लेस कर दें I इनटू R से, तो क्या बनेगा, I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो H इक्वल टू क्या बना, I स्क्वायर R इंटू टी। ये देखो बच्चों, ये है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अक्रॉस द रेजिस्टर, ये बात समझ आ गई, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो होगा I स्क्वायर R इंटू टी। इस इक्वेशन को कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसी क्वेश्चन को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये बात समझ आई कि मतलब जितना भी बैटरी ने वर्क डन किया टू मूव द चार्ज वो पूरा पूरा किसमें, हीट में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। और इसका फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, उसी को क्या बोला जाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी इफेक्ट का यूज करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, जहां पे हमको सिर्फ हीट ही चाहिए होता है, हमको रोटेट नहीं कराना, हमको लाइट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हीट एनर्जी चाहिए होती है, तो इसी इफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, डिवाइस में, टू प्रोड्यूस द हीट। तो याद रखना है अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, I स्क्वायर R इनटू T, और इसी को बोला गया जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जूल्स ने इस इक्वेशन से एक्सप्लेन किया क्या कि जो अमाउंट ऑफ हीट होता है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टर R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर रजिस्टर थ्रू विथ करेंट आई इज फ्लोइंग एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करेंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं जूल्स का हीटिंग इफेक्ट को, लिखते हैं थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, बोर्ड में आता है। चलो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या देखा उन्होंने, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat produced across the resistor, ठीक है वो क्या होगा, फर्स्ट क्या बोला उन्होंने, इज directly proportional to square of current
flowing across resistor. ठीक है, तो करंट हीट करंट पे कैसे डिपेंड कर रही थी, स्क्वायर ऑफ द करंट डायरेक्टली, मतलब कि यहां से क्या आया, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला उन्होंने, यहां से कंक्लूड किया कि इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अक्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, किसके, सॉरी रेजिस्टेंस लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर. ठीक है, उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसमें ये करंट फ्लो करती है. और थर्ड क्या लिखा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग. भी तो इस इक्वेशन से जूल्स ने ये तीन रूल बनाए, क्या कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अक्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर दैट इज एच, यहां देखा जाए तो आर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग दैट इज एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. ठीक है, अब इन तीनों को मिला दिया गया, इन तीनों को यदि हम कंबाइंड फॉर्म में कर लें, इसको ध्यान रखना, चुप देखते हैं, जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो एच क्या आया, आई स्क्वायर आर डी. प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है वन आता है, तो क्या आएगा, एच इक्वल टू क्या बना, आई स्क्वायर आर इंटू डी. ये बात समझ गई, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना. ठीक है बच्चों, चलो सब नोट कर लो. तो चलो बच्चों, हीट के यूनिट की बात करते हैं. तो जैसे हमको पता है कि हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल. ठीक है, क्या होता है भाई, जूल होता है. तो हम कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, जूल, जूल होता है, इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कभी कभी एक दूसरी यूनिट भी देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरी. क्या बोलते हैं इसको, कैलोरी. तो दूसरी यूनिट होती है इसकी कैलोरी. ठीक है, सेकंड यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, और वन कैलोरी इक्वल टू 4. चलो होती है 1.8, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेशन में, इसके अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, 4.2 ले लेते हैं, 4.2 जूल के बराबर होता है. तो ये कैलोरी में भी पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा याद होने चाहिए कन्वर्जन, कि दूसरी यूनिट होती है जो हीट की, दैट इज कैलोरी होती है, और वन कैलोरी इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन में 4.2 जूल के बराबर होती है. ठीक है बच्चों, तो चलो लिख लो. तो चलो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, और उसमें करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पीयर. ठीक है, तो पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा इन 30 सेकेंड में. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स करंट ऑफ 5 एम्पीयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 30 सेकंड. तो ठीक है, हमको दिया है, गिवन क्या है, यहां पे आर दे रखा है कितना, 20 ओम. ठीक है बच्चों, करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पीयर की करंट है, और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड. मैंने बार बार कहा फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते समय यूनिट का ध्यान देना है, हमको हमेशा एसआई यूनिट को फॉलो करना है. ठीक है, एसआई यूनिट को फॉलो करना है, यदि यूनिट का ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, भले ही हम अपना तरीका सही लगा रहे हो. ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम था, सही है, करंट का एम्पियर था, ये भी सही है, टाइम का सेकेंड होता है, ये भी सही है. ठीक है, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला ला सकते हैं ओम हीट का, पढ़ा क्या, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें 5 का स्क्वायर कितना, 25 इनटू आर दे रखा है 20 ओम, इनटू टाइम दे रखा है 30 सेकंड. ठीक है,
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 हो गया 50, तो ये कितना हो गया 25 इंटू टू 50 इंटू 0 500 इंटू 30 15,000 जूल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी। इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको पता है कि 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल के होता है, ठीक है। तो किलो जूल में कन्वर्ट करते 1000 से क्या कर डिवाइड करते तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 15 किस में कन्वर्ट हो गया किलो जूल में, इससे निकाल से तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुई 15 किलो जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक हीटर 30 सेकेंड तक चल रहा है, ठीक है, नोट कर लो।